गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का आपका जो पेपर है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए हम मॉडल पेपर सेकंड में आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा का नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले सके। और आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में हम आपके पेपर का एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर आपके जितने पेपर हुए हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जैसे पहला है किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है फलनात्मक। एक रुपये का नोट निर्गमित करता है भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर सा है इसी का, निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है, तो वो विनियोग है। राशि पातन का प्रभाव किस व्यापार पर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बजट का उद्देश्य है तो आर्थिक स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहला है अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुप्रयुक्त है, तो वो सूक्ष्म है। मूल्य व मांग में संबंध होता है, तो विपरीत। पेट्रोल का बाजार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास, तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है। प्रोफेसर किन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है, तो वो है प्रभावपूर्ण मांग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो ये सत्य असत्य है, जिसमें माचिस की मांग लोचदार होती है, असत्य। साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, तो ये सत्य है। काले धन ने भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, असत्य है। दो देशों के बीच व्यापार स्थापित व्यापार कहलाता है, तो असत्य है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें मैचिंग वर्ड्स हैं, कोलम अ को कोलम ब से जोड़ना है, जैसे इंपीरियल बैंक, तो इसका संबंध है 1921 से। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो इसका संबंध है 1949 से। IMPS बराबर होता है, तो इसका संबंध है MPS से। और IM उपकिरण, इसका संबंध है बावले से। और सहसंबंध का जो संबंध है वो है काल पियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे यदि सरकार किसी वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम होगी। व्यापार कर एवं मनोरंजन कर किस कर के उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर के। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। सरकार के व्यय का संबंध किससे है, तो बजट से है। प्रमाव विचलन का विचार किसने दिया, तो काल पियर्सन ने दिया, ठीक है। तो ये 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैचिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चन थे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको पढ़ लेना। हमारे इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना। पिछले वीडियोज़ भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, तो उनको भी आपको देखना है। नए व्यूअर्स को मैं जानकारी दे दूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपके अभी तक की जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं उन सारे पेपर्स को मैंने एक्सप्लेन करके उसमें डाला है, तो आप उन पेपर्स को देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से पेपर दें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा, आपको कितने नंबर आने की संभावना है, और एग्ज़ाम के बाद हम आपका इस पेपर का एनालिसिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।